भी किसी को बोलने की इजाजत नहीं होती। इसने खाना नहीं खाया, ना खाए, 10 दिन ना खाए, भूख से मर जाए, लेकिन मैंने जो फैसला कर दिया है तो कर दिया। तुम भी चलो बाहर, इसे छोड़ दो अपने हाल पे। वाह बेटे वाह, मैंने उनका क्या बिगाड़ा था, क्यों उन्होंने मेरी शादी कर दी? कम से कम शादी से पहले पूछ तो लेना चाहिए था कि मैं उसे पसंद हूं या नहीं। से फिर कहता हूं मां, निशा पागल नहीं है। अगर वो पागल नहीं है तो शादी के बाद वो तुझे अपना पति क्यों नहीं मानती? अगर वो पागल नहीं है तो तुझे खाना पटक के क्यों देती है? और अगर वो पागल नहीं है तो मेरे इतने प्यार से समझाने के बाद भी वो मेरा हाथ क्यों झटक देती है? अरे बेटे, तेरी बीवी के लिए हमने क्या क्या सपने देखे थे, क्या क्या उम्मीदें थी हमारी कि बहू घर में आएगी तो घर स्वर्ग बन जाएगा, तो मैं घर उसे सौंप कर यात्रा पर चली जाऊंगी और आराम से अपने पोते पोतियों को खिलाऊंगी। मगर हमारे सारे सपने मिट्टी में मिल गए। बस बेटा, ये आखिरी बार है, एक बार बहू को बुआ ओझा के पास ले जाने दे और तू भी हमारे साथ चल, वरना वरना मैं जहर खा लूंगी। नहीं माँ, ठीक है माँ, तुम जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूंगा, उसे बुआ और ओझा के पास भी ले जाऊंगा, लेकिन आइंदा से ये मरने की बात मत करना। मैं जानती थी बेटा, तू मेरी बात कभी नहीं टालेगा, आखिर हमारा बेटा है ना तू। तुम्हारा ही है कंचन, वो तो अच्छा हुआ दीपू शहर में पढ़ने चला गया, वरना वो भी अनपढ़ रह जाता। और निशा के ब्याह के बारे में मैंने तुम्हें पहले ही सावधान कर दिया था। भैया, बात सावधान रहने की नहीं है, बात शिक्षा की है, शिक्षा की जो आपने दी है। क्या जरूरत थी आपको ऐसी शिक्षा देने की? क्या जरूरत थी? अरे मैं उसका मामा हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ। और रहा शिक्षा का सवाल, तो ये अनपढ़ जाहिलों को नहीं मालूम है, जो ये देहाती है, शिक्षा प्रगति की पहली सीढ़ी है कंचन। आपकी ये प्रगति की सीढ़ी हमारे लिए नरक की सीढ़ी बन गई है। समझ में नहीं आता, तुम औरतें जिंदगी भर रूढ़िवादिता के अंधे कुएं में रहती हो और अंत में अपने बच्चों को भी उसी कुएं में धकेल देती हो। भैया, हमें इस अंधे कुएं में जीने की आदत पड़ गई है, अब आपको इसमें शिक्षा का प्रकाश डालने की कोई जरूरत नहीं है। सारा गाँव हमारे मुँह पे थूक रहा है। किस गांव की बात कर रही हो तुम? उस गांव की जो गांव अपने आंगन में खिली हुई कली को फूल बनने से पहले तोड़ के मुरझाने के लिए छोड़ देता है। भैया,
आपके इस उपदेशों से मुझे फर्क पड़ सकता है, पर गांव वालों को नहीं, हमारी बेटी के ससुराल वालों को नहीं। आप समझते क्यों नहीं है? चलो अच्छा हुआ तुम पर मेरी बातों का कुछ तो असर पड़ा। अब रहा सवाल गांव वालों का और निशा के ससुराल वालों का, वो निशा के ऊपर छोड़ दो। मुझे पूरा विश्वास है निशा प्रगति की वो रोशनी है जो गांव की रूढ़िवादिता के अंधेरे को मिटा के रहेगी। मिटाएगी तो तब ना भैया, जब गांव वाले उसे जिंदा रहने देंगे। सुना है आज वो लोग उसे ओझा के पास ले जा रहे हैं। ओझा के पास? माँ चामुंडाय नमः, 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 माँ चामुंडाय नमः। इस कन्या पर किसी आत्मा का प्रवेश है। क्या नाम है तेरा? निशा। तुमसे नहीं, मैं इसके अंदर जो आत्मा है उसका नाम पूछ रहा हूँ। क्या नाम है तेरा? काली कलकत्ते वाली, तेरा बचन न जाए खाली, टूटे ना फूलों के डाली, भागे भूत बजा कर ताली। याद चामुंडाई नमः, याद चामुंडाई नमः, याद चामुंडाई नमः, याद चामुंडाई बम 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 बम। काली कलकत्ते वाली, तेरा बचन न जाए खाली, काली कलकत्ते वाली, तेरा बचन न जाए खाली, काली कलकत्ते वाली, तेरा बचन न जाए खाली। बम 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 बम। बहुत खतरनाक आत्मा है इस पर, बहुत खतरनाक आत्मा का साया है इस पर। कहाँ गई थी बोल? चांदाली कहाँ गई थी बोल? निकल, इसको छोड़कर निकल जा, इसको छोड़कर निकल जा, वरना मैं तुझे पीपल के पेड़ पर बांध दूंगा। बोल निकल दे नहीं। काली कलकत्ते वाली, तेरा बचने जाए खाली, काली कलकत्ते वाली निकल। बोल काली कलकत्ते। प्रेतात्मा, तूने काली का अपमान किया है। मैं तुझे बोतल में बंद कर समुद्र के बीच फेंकूंगा, ताकि तू बरसों तक वहां सड़ती रहेगी। बोल निकलती या नहीं, छोड़कर जाती या नहीं, वरना मैं तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। बोल काली कलकत्ते वाली, तेरा बचन जाए खाली, निकल इसको छोड़कर जा। काली कलकत्ते वाली, तेरा बचन जाए खाली, इसको छोड़कर जा। काली कलकत्ते वाली, तेरा बचन जाए खाली, काली कलकत्ते वाली, छोड़ इसको, छोड़ वरना बहुत मारूंगा। काली का अपमान, जा उसका अपमान कर ला, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी माँ का अपमान, माँ तो सारी कोशिशें करके देख ली बापू, अब भी वो मुझे अपना पति मानने को तैयार नहीं है। पता नहीं क्या होने वाला है इस घर का, किसकी नजर लगी इस घर को? मुझे तो वो दिमागी तौर से दुरुस्त नहीं लगती, अरे इलाज करवाना पड़ेगा उसका। अरे बाल निरंजन, क्या दोस्ती निभाई है तूने? अरे अपनी पागल बेटी हमारे घर की बहू बना के भेज दिया। और नहीं तो क्या, अरे सारे गाँव में थूथी हो रही है हमारी। मैं तो कहती हूँ उसके माँ बाप को बुला के बात कर लो जल्दी से। अरे मैंने अब तक इंतजार नहीं किया है, बुला के भेज दिया, उनको आने वाले होंगे। अच्छा किया। निशा छोड़ दो, देखो शुरू शुरू में सब लड़कियों को अच्छा नहीं लगता, पर थोड़ी दिनों में सब ठीक हो जाता है। और फिर तुम्हारे घर वाले, तुम्हारा ये खानदान, तुम्हारा पति, सब कितने अच्छे हैं। तुम यहां मन लगा के रहो, देखो फिर कितना अच्छा लगता है तुम्हें यहां। और फिर तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं है,
तुम्हारी शादी हो चुकी है और अब तुम्हें यही रहना होगा। मैं यहाँ नहीं रह सकती माँ, ऐसी जिंदगी जीने से तो मैं मर जाना पसंद करूंगी। तुझे इतना समझाने के बाद भी तूने इतना बड़ा बछड़ा खड़ा कर दिया, अब मेरा फैसला भी सुन ले। तू जिएगी तो इसी घर में और मरेगी तो भी इसी घर में। आज के बाद अगर मुझे तेरे बारे में कोई शिकायत मिली तो हद हो चुकी है। मैं घुट घुट कर जीना नहीं चाहती, मुझे कुछ करना होगा। मैं ये अन्याय सहन नहीं करना चाहती। हाँ, मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे ग्राम सेविका की मदद लेनी चाहिए। जा रहे बहन जी, मैं जानती हूं कि आपका दिल दुखा है। मैं तो आपको बहुत साल पहले ही कह रही थी कि इन बच्चों की शादी मत करो, लेकिन आप लोग नहीं माने। और आप ही ने कहा था कि निशा आपकी नहीं हमारी बेटी है, हम उसे पलकों पे बिठा के रखेंगे। कहा था, मुझे अच्छी तरह याद है, मगर आपकी बेटी वो तो हमारे बेटे को पति मानने से ही इनकार करती है। बहन जी वो तो ना समझ है। माफ करना, वो इतनी ना समझ नहीं है जितनी कि आप समझ रही हैं। बड़ी बड़ी बातें करती है। हमने कहा जरूर था कि हम उसे पलकों पर बिठा के रखेंगे, मगर हमें क्या पता था कि वो हमारी आंखों में धूल झोंकेगी। आज हमारा बेटा भी हमसे नाराज है, हम तो कहीं के नहीं रहे। हाँ, हमने भगवान भोले शंकर से बेटी जरूर मांगी थी, मगर मांगते वक्त ये नहीं सोचा था कि बेटा भी खो देंगे। अगर आपको शादी से पहले पता था कि आपकी बेटी जरा सी पागल। वो पागल नहीं है, मेरी बेटी पागल नहीं है। चिल्लाने से सच्चाई झूठ में नहीं बदल जाएगी। ये गांव है और गांव में गांव की तरह ही रहना पड़ता है। आपकी बेटी की पागलपन की वजह से हमें बिरादरी से बाहर निकाल दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। अरे, कोई हमें शादी ब्याह में नहीं बुलाएगा, बच्चों के मुंडन में नहीं बुलाएगा, हम तो पंचायत में बैठने लायक नहीं रहेंगे। जब मैं मना कर रही थी तब आपने ये कहा था कि नहीं नहीं, रिश्ते तो स्वर्ग से तय होकर आते हैं, उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है वो मेरी भूल थी। आप तो ये कहकर छूट गई कि वो मेरी भूल थी, पर क्या आपने ये कभी सोचा है कि मेरी बेटी का क्या होगा? वो तो वो जाने और आप जाने, ये तो सब उसका और आप ही का तो किया धरा है। देखिए, एक दूसरे पर दोष डालने से समस्या हल नहीं होगी। समस्या हल होगी कुछ कुछ उपाय सोचने से। सलाह देना बहुत आसान होता है, कि मैं जानती हूं कि मेरा बेटा कितना परेशान है।
अरे वो तिल तिल जल रहा है, क्या करें, हमारी तो किस्मत ही खोटी है। देखिए मैं सब समझती हूँ, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, आप थोड़ा सा वक्त दीजिए। पर मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप उसे बुआ और ओझा के पास मत ले जाइए। ये एक माँ की नहीं, एक औरत की औरत से प्रार्थना है। निशा को लेकर हम भी बहुत परेशान हैं। सिर्फ आप निशा को थोड़ा सा वक्त दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बस यही मेरी आपसे प्रार्थना है। बस अब हम चलते हैं। नमस्ते। शाबाश निशा, तुम तो बहुत आगे निकल गई। तू याद है तुम्हें, तुम तो दिल बहलाने आई थी यहाँ। धन्यवाद दीदी, लेकिन ये सब मैं आपसे तो सीखी हूँ। आप तो शुरू से ही जानती है कि मेरी परिस्थिति क्या है, अब सिर्फ आप ही मुझे मदद कर सकती है। देखो निशा, हम ग्राम सेविका की हैसियत से सिर्फ सलाह ही दे सकते हैं। हमारे पास तो बहुत बेसहारा औरतें आती हैं। तुम्हारी जो लड़ाई है वो कानूनी लड़ाई है, और तुम्हें खुद ही निपटना होगा, बड़ी सूझबूझ के साथ, बड़ी हिम्मत से खुद ही निपटाना होगा। हाँ दीदी, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी। अरे मुझे क्या पता था कि ये छोकरी हमें किसी के सामने सर उठाने के लायक नहीं छोड़ेगी। मेरा दोष तो सिर्फ इतना ही है ना कि इसने मेरी कोख से जन्म लिया है। ऐसी लड़की को तो जान पैदा होती ही जान से मार देना चाहिए। अरे मैं ऐसा ही करती यदि मुझे मालूम होता ये बच्ची जो मेरा दूध पी के बड़ी हो रही है आगे चलकर हमारे लिए जहर उगलेगी। कल मुही ने बिरादरी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा हूं मैं। मैं अब चुप नहीं रहूंगी, किसी ना किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी, मैं ही क्यों ना उठाऊं। मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगी, समाज की इन जंजीरों को मैं तोड़ दूंगी, मैं अन्याय के खिलाफ लड़ूंगी, मैं अपना रास्ता खुद तय करूंगी। हां मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी, मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे इंसाफ पाना होगा। मैं इंसाफ पाकर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इन झूठी मान मर्यादाओं को तोड़ दूंगी, मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगी। हाँ मुझे अदालत तक जाना ही होगा, मुझे इंसाफ मिलना ही चाहिए। मैं इंसाफ पाकर रहूंगी। अरे निशा तुम यहाँ? दीदी मैं आपको बताने आई हूँ कि मैंने फैसला कर लिया है। कौन सा फैसला किया है? यही कि मैं अपने आप को और सजा नहीं देना चाहती, मैं झूठी दिखावे की जिंदगी नहीं जीना चाहती, मैं स्वाभिमान की जिंदगी जीना चाहती हूँ, और इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। बोलो। दीदी मैं अपने माँ पिताजी और सास ससुर के खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहती हूँ। मैं दुनिया को ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी जबरदस्ती शादी की है, और वो भी मेरी मर्जी के खिलाफ, जबकि मैं नाबालिग हूँ। ठीक है निशा, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है, और तुम्हें जब भी जरूरत होगी हम तुम्हारे साथ आएंगे। ठीक है। निशा बेटा, वह हमारे खानदान की नाक कटवाने पर चुनी हुई है। मैं तो घर के आबरू बनाकर लाया था, लेकिन महसूस कर रहा हूं बहुत गलती की थी मैंने। तू तो हमारे घर की चौखट के लायक भी नहीं है। अरे मैं तो मारा गया तेरे बाप निरंजन की दोस्ती के मारे, उसका खानदान और खून देख के शादी की थी मैंने। ये तू क्या देख रहा है, जा समझा उसे। बापू बात समझाने की नहीं है, बात है अपनी अपनी पसंद की। अगर वो मुझे मन से अपना नहीं मानती तो मैं जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। अरे कैसा पति है रे तू,
तेरी पत्नी घर की दलील लांघकर कचहरी में जा रही है, हैं? और तू कहता पसंद नहीं करेगी तो जबरदस्ती नहीं करूंगा। अरे पत्नी को काबू में करना सीख, नहीं तो जीवन भर माथा कूटता रहेगा माता। ठाकुर साहब ऐसा हो गया तो गांव की इज्जत खाक मिल जाएगी। ये तो बड़ी शर्म की बात है ठाकुर साहब, घर की बहू अदालत का दरवाजा खटखटा है। ये तो गांव में नई बात है ठाकुर साहब। ठीक है, मैं आज ही तेज सिंह जी को साथ लेकर किसी वकील से सलाह मशवरा करता हूँ। हाँ हाँ ऐसा कुछ, हाँ साहब ऐसा कुछ कीजिए साहब। ठाकुर साहब मैंने आपका केस स्टडी कर लिया है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम लोग अदालत से दरखास्त करेंगे कि ये केस सुलझाने का हक ग्राम पंचायत को दिया जाए। वकील साहब अगर ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, हम दोनों घरों की और सारे गांव की इज्जत मिट्टी में मिलने से बच जाएगी। देखिए वकील साहब, आज दिन तक हमारे गाँव में कभी भी कोई भी समस्या उठती है तो हम उसका हल अपनी पंचायत में निकाल लेते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि हम कोर्ट कचहरी के झमेले में पड़ गए। और अगर यह अनर्थ हो गया तो हमारे तो गांव की नाक ही कट जाएगी। ठाकुर साहब आप चिंता मत करिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। बस आपकी का सहारा है। मिस्टर सिसोदिया की अपील को मान्य रखते हुए अदालत यह हुक्म देती है कि निशा सिंह का केस ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाए और ग्राम पंचायत ही इस केस का आखिरी फैसला सुनाएगी। निशा सिंह, पंचायत तुमसे यह जानना चाहती है कि तुम्हारी ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि तुमने गांव की पंचायत की परवाह न करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। तुमने अपना ही नहीं, अपने माँ बाप का, गांव का और पूरी पंचायत का नाम खराब किया है। बोलो, बोलती क्यों नहीं? है कोई इसका जवाब तुम्हारे पास? हाँ मेरे पास जवाब है, लेकिन इसे किसी बात का विद्रोह या अहंकार न समझा जाए। मैं पंचायत के सम्मान में ये बात कहना चाहती हूँ कि मुझे अपनी मर्जी से जीने का अधिकार दिया जाए। मैं एक नाबालिग लड़की हूँ और हमारा कानून भी इस बात की इजाजत नहीं देता कि एक नाबालिग लड़की की शादी की जाए। मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ और पढ़ लिख कर इस काबिल बनना चाहती हूँ कि मैं अपना भला बुरा खुद समझ सकूं। और पढ़ लिख कर एक योग्य लड़के के साथ शादी कर सकूं। मैं पंचायत से दरखास्त करती हूँ कि मुझे जिद पर मजबूर न किया जाए। यदि आवेश में आकर मैंने कोई अपशब्द कह दिया हो तो पंचायत मुझे क्षमा कर दे। आप सब लोग खामोश क्यों हो गए? ये परिवर्तन की आवाज है, सुना आपने? ये आज की आवाज है। अपने दकियानूसी घेरेबंदी को तोड़ना पड़ेगा और इंसानियत के रास्ते को अपनाना पड़ेगा, अपने झूठे स्वाभिमान को भी छोड़ना पड़ेगा। हम अपनी पुरानी परंपराओं को छोड़कर
या आवेश में आके समाज का उल्लंघन करना नहीं चाहते। जिस प्रकार इंसान और जमाना बदल चुका है, औरतों के अधिकारों को मान्यता दी जा रही है और कानून को जान में रखते हुए एक नाबालिग बच्ची का बाह कर देना गैर कानूनी है। जैसा कि निशा सिंह ने कहा कि वो आगे पढ़ना चाहती है, ये उसकी सूझबूझ सही है और हम पंचगण निशा के पिता और ससुर से आग्रह करते हैं कि निशा के साथ किसी भी प्रकार की जबरदस्ती न की जाए। साथियों, कानून धर्म और परंपरा से बहुत ऊंचा है, इसलिए निशा की दलीलें सच है और पंचायत उसे अपनी तरह से जीने का अधिकार देती है।